परम करुणा में वात्सल्य समुद्र श्री वृंदावन धाम प्रगट में कृपा वर्षा कर रहा है। पर जो त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से प्रभावित होकर भगवद विमुख आचरण यहां बनते हैं, वो इस कृपा वर्षा का अनुभव नहीं होने देते। नहीं तो मात्र केवल वृंदावन वास से ही हृदय प्रेम प्लावित हो जाए। प्रेम का अद्भुत स्वरूप वृंदावन में प्रकाशित है। इस त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से बचने का केवल एक ही उपाय है, हरिवंश नाम विसरे न छिन श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर नित गरजत हरिवंश बल। यदि प्रत्येक श्वास में हम अपने आराध्य देव का अधिक से अधिक नाम जप करें, नाम सुमिरन करें, नाम चिंतन करें, नाम गायन करें, तो त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव धीरे धीरे सहते सहते अंतःकरण की स्थिति ऊपर हो जाएगी, गुणातीत स्थिति आ जाएगी, तब ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव वहां नहीं पड़ पाएगा। हमारे ऊपर अत्यंत कृपा है लाडली लाल की, ऐसा प्रत्येक उपासक अनुभव करते हुए प्रभु के सुमिरन में ही जब अपने चित्त को लगाता है तो सही पूछो तो माया है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, एकमात्र अपने वो प्रभु की लीला देखता है। जब अपने प्रभु की लीला है तो न राग न द्वेष अनुराग प्रकट होता है। पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही हमें ये सब संयोग बना रियालाल ने बनाया है। तन ही राग सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरुष्य। समस्त सृष्टि के कामनाओं की पूर्ति करने वाले लालजू के ही चरणारविंद हैं, चाहे वो भगवान शंकर या भगवान ब्रह्मा जी या परमहंस शिरोमणि श्री शुकाचार्य आदि महापुरुष हो। हेयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजिनुतम शरण्यम प्रणत कामदम पद्मजार्जितम, श्री लालजू के चरणारविंद है। लेकिन लालजू की सुख वृद्धि आनंद समुद्र को रस विवशता ये प्रियाजू से प्राप्त होती है। इसलिए कृष्ण की कल्प तरुष रूपा श्री लाडली जो है, तो आचार्य चरण कह रहे हैं तन को कुसंग से बचाते हुए शत आचरण में सत्संग में संत रसिकों के संग में रखो तो तुम्हारा मन प्रेम रस में डूब जाएगा। अगर तन के द्वारा असत आचरण होंगे, तन के द्वारा संसारी पुरुषों का संग होगा, तन के द्वारा सुसुख वांछा के ही कर्म होते रहेंगे तो मन इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में ही रहेगा, वो प्रभु के प्रेम राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं बनता है। तन ही राग सत्संग में, एक प्रगट सत्संग ये है जहां आप बैठे हैं, दूसरा उपदेश को आचरण में उतारना सत्संग है। जो सिद्धांत वर्णन किया जाता है उसको अपने शरीर की चेष्टाओं में
चेष्टाओं के संयमन में, चेष्टाओं की पवित्रता में जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो आपको उपदेश मिला है, यदि प्रतिपल आप सावधान होकर ऐसा आचरण करते हैं तो निश्चित ये मन प्रेम रस में डूबने का अधिकारी होने लगता है। हमारा लक्ष्य है कृष्ण कल्प तरु सेव। कृष्ण कल्प तरु है श्री प्रिया जी, और श्री प्रिया जी की सेवा, प्रिया जी को रिझाना, प्रिया जी को दुलार करना, यही हमारा परम लक्ष्य है। जब उपासक आचार्य चरणों के आदेश के अनुसार उपासना पद्धति में अपने चित्त को पूर्ण समर्पित करने लगता है, करने की भावना उसे करनी है, समर्पण आचार्य गुरुदेव इष्ट देव स्वयं कर लेते हैं, तब उसके हृदय के नेत्र खुलते हैं और वो देख पाता है निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये है जो कृपा हरिवंश की, हर समय हृदय द्रवित रहता है, शरीर पुलकित रोमांचित रहता है, मानस नेत्रों के सामने नित्य बिहारी श्यामा श्याम की अद्भुत लीलाएं जो नवनिर्मित निकुंज में हो रही है, आचार्य कृपा कटाक्ष से झलकने लगती है। इसमें कोई साधन पक्ष की बात नहीं, समर्पण की बात है। जैसे जैसे आपका अहम समर्पित होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप निकुंज के समीप पहुंचते चले जाएंगे। पूर्व प्रसंग में सुना, यूथ की यूथ सखियों के मंडल जब युगल सरकार सभा मंडल पर पधारे, दिव्य सिंहासन पर पुष्पों की गादी विराजमान है, कोई सखी चवर लिए है, कोई छत्र लिए है, कोई सेवा की सोम, कोई सुंदर राग रागिनी श्री प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सब तत्पर है। युद्ध की युद्ध सहचरिया है वो उपासक, इसके मानस नेत्र हित अन्यन से प्रकाशित हो गए हैं, आचार्य कृपा से इसके हृदय नेत्र खुल गए, ही के नयन निहार वो देख रहा है कि प्रत्येक युद्ध के साथ उन युद्ध को कौन सी सेवा कैसे किस समय किस पद्धति से करनी है, युद्धेश्वरी सखी का संकेत होता है। और ये सब उदार इनके हृदय में कहीं भी किंचन मात्र सुख वांछा नहीं। श्री ललिता जी एवं श्री विशाखा जी ये प्रत्येक पल युगल सरकार की रुचि को देखते रहते हैं। इसमें हमारे प्राणाधार युगल सरकार की क्या रुचि है, हर समय वही बात वही चेष्टा जिससे युगल सरकार को अत्यंत मोद हो, अत्यंत सुख पहुंचे। रंग देवी एवं चित्रलेखा जी ये युगल प्रेम में रंगी हुई हर समय उनको सुख पहुंचाने में तत्पर है। श्री तुंग विद्या जी, श्री चंपक लता जी, श्री इंद्रलेखा जी ये परम चतुर सकल कलाओं में प्रवीण गुणों की समुद्र और प्रिया प्रीतम की मन की बात जानने में परम प्रवीण सखियां हैं। ये कभी पलक झपकने के लिए भी समय के अंतराल नहीं होता, प्रिया प्रीतम से दूर नहीं होती, इनमें अंतर ने गुण ही ज्यों छाया तिन संग।
जैसे जहां शरीर होता है वहीं उसकी छाया होती है, ऐसे हमारे युगल सरकार का छायावत सेवन करती है। एक निमेश के लिए, पल के लिए भी कभी ये सखियां विलग नहीं होती। ऐसा लगता है कि मानो युगल प्रेम ही मूर्तिमान होकर सहचरी रूप में है। ऐसा ही है, इत की मूर्ति है, मानो मूर्ति एत की बढ़वत पल पल रंग। वो ऐसी बात करते हैं जिससे जिससे प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति हो, प्रिया जो की लाल जो में, लाल जो की प्रिया जो में, दोनों को प्रेमोन्माद हो। इस कला में बड़ी प्रवीण है समस्त सहचरियां। कभी कभी प्रिया जो अंतर प्रीति दशा में ऐसी डूबी होती है कि लालजू की तरफ देखती ही नहीं है, ना तो बोलती है, अंतर प्रीति दशा में डूबी हुई है। अब लालजू की विकलता हो जाती है क्योंकि प्रिया जो नेक ना चित है, ना बोले, जलमीन की दशा हो जाती है। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे श्री लालजू विकल हो जाते हैं। उस समय ये परम प्रवीण सखियां कैसे प्रियाजू को बाह्य प्रीति दशा में लाना है, ये प्रियाजू को अति गंभीर जहां इन सहचरियों के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रियाजू की उस अंतर प्रीति दशा से बाह्य प्रीति दशा में लाना, कोई उपाय नहीं। जैसे बंशीनाद का बड़ा प्रभाव है, जहां बंशीनाद होता है खग मृग पशु पंछी सब समाधिस्थ हो जाते हैं। जड़ में चैतन्यता और चैतन्यता में जड़ता प्रकट हो जाती है, यमुना का प्रवाह रुक जाता है, वायु बहना बंद हो जाती है, खग मृग पशु पंछी चित्र लिखे से हो जाते हैं, सूखी लकड़ी भी रस से द्रवित हो जाती है। कैसे वर्णन करें, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिशारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसित दाप निवारे। बंशीनाद श्रवणेन्द्री में पड़ा कि श्री गोपी जनों की क्या दशा हुई, ब्रज युवती जनों की, श्रीमद् भागवत में वर्णन है और भी महापुरुषों ने रास के पदों में वर्णन किया है। जो जैसी है जिस स्थिति में अगर एक आंख में अंजन लगा है तो दूसरे में आंजने की शुद्ध नहीं, वस्त्र भी यथोचित धारण नहीं कर पाई, जो जिस सेवा में उसी स्थिति में छोड़कर आई ब्रजनार सुनत बंशी राव गृहपति बंध विशारे। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है कि रसमूल मुरलिका का नाद हो रहा हो और वो अपने में हो, लेकिन प्यारी जो जब अंतर प्रीति दशा में होती है तो हित सजनी जो लालजू की विकलता देखी तो लालजू से कहा आप रास रंग का मंचन करें, हम प्रियाजू को जागृत करती है, बाह्य प्रीति दशा में लाती है, क्योंकि सखी ही परम प्रवीण इस दशा से प्रियाजू को बाह्य दशा में ला। प्रियाजू अत्यंत गंभीर मुद्रा में अंतर प्रीति में डूबी हुई है। सजनी जो कह रही मदन मथन घन निकुंज खेलत हरी, स्वामी जो घन निकुंज में मदन के भी मन को मथने वाले श्री हरि खेल रहे हैं। मदन मथन घन निकुंज हरि खेल, देखो प्यारी जो
गिरलाल जो महाराज है ना, वो कैसा सघन निकुंज है, कैसी अद्भुत शोभा है, उसमें खेल रहे हैं रास क्रीड़ा। स्वामी जू, ये जो लाल जो है ना, ये मनमथ के भी मन को मथने वाले हैं। मदन मथन घन निकुंज खेलत है। प्यारी शोभा तो देखो जरा नवनिवृत्त निकुंज की, राका रुचिर शरद रजनी, शरद की रात्रि है सुंदर चंद्रमा की चांदनी खिली हुई। राका रुचिर शरद रजनी, और ये जो रास की रचना हुई है ना प्यारी जो, यमुना पुलित तट सुरतरु के निकट रचित रास चली मिली सजनी। चलो प्यारी जो, परम शोभामयी श्रृंगार मूर्ति श्री यमुना के पावन तट पर विराजमान कल्पतरु के नीचे श्री लाडले लाल ने आपके सुख के लिए रास रचना की है, आप चलकर मिलो। प्यारी जो अंतर प्रीति दशा में डूब गई। एक सजनी जो फिर कहती है, देखो देखो स्वामी जो, बाजत मृदु मृदंग नाचत सवय सुधंग तयन श्रवण सुनो वेणु बजनी। कितनी सुंदर वंशी बज रही है, कैसे सुंदर मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, कैसा सुंदर सुधंग नृत्य हो रहा है। लाडली जू, चलो ये सब आपको नहीं सुनाई दे रहा, पर बंशी नाद भी आपको सुनाई नहीं दे रहा। तैन श्रवण सुनो वेणु बजनी, ये वेणु मैं जो मोहन सुनो वेणु गोपाल को। इत सजनी जू कह रही, प्यारी जू, ये जो लाल गोपाल जू की बंशी है, ये बहुत मोहन है, ये सबको मोहित कर लेती है। तैन श्रवण सुनो, आपने नहीं श्रवण सुना। प्यारी जू, अवतार लीला में जब बंसी बजाते हैं तो व्योम मुनियान सुरनार विदकित भई कहतने बनच कछु भेद यति ताल को। प्यारी जू, बंसी नाद इतने समीप से आपको सुनाई नहीं दे रहा, और इनका बंसी नाद तो ऐसा है कि विमानों पर बैठी हुई देवियां मूर्छित हो गई। कैसी ताल, कैसी यति, कैसी इनकी भाव भंगिया, वंशी नाद से कैसा आकर्षण प्रकट हो रहा है। प्यारी जू, और वंशी जिनके अधरों पर विराजमान है, श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को। चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंद लाल को। कैसे मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल नील कबोल पर कर रहे, देखो इनकी घुंघराली अलकावली की जो लट भाल पर आई, कैसी सुंदर शोभा है, कैसा सुंदर तिलक है। श्री लाडली जू, ये जो वेणु वादन करने वाले हैं ना, इनकी ऐसी शोभा है, ऐसी वंशी नाद है, चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई, देख हरिवंशी वेश नंदलाल को। काम शोभाहीन हो गया इनकी सौंदर्य के आगे, चंद्रमा की गति रुक गई। कैसा कस्तूरी का तिलक इनके भाल पर विराज, कितने सुंदर नंदलाल है, कितना सुंदर वंशी वादन कर रहे हैं। तैन श्रवण सुनो वेणु बजनी, जैसे हित हरिवंश प्रभु राधिका रवन मुको भावे माई जगत भगत भजनी। प्यारी जू, जैसे प्रभु अपने भक्तों का भजन करते हैं, ऐसे मुझको भी ये अच्छा लगेगा कि आप अपने भगत का भजन करो। लाडली जू के भगत ने बताया नहीं, कृष्ण कल्प तरु है लाडली, लाडली जू कृष्ण कल्प तरु है, कृष्ण की कामना की पूर्ति करने वाली। गद्यर्पितम मदपदे स्मर तापमुग्रम निर्वापय परम शीतल मास्या। लाडली जू, मुझे तो तभी अच्छा लगेगा जब आपका जो भजन करने वाले श्री लाल जू हैं, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं करिबो, जब आप उनको सुख पहुंचाए। आप चलो
सखियां इतनी प्रवीण है कि ऐसी दशा से श्री लाडलीजू को जागृत करती है और लालजी से मिलाती है। इसलिए इस समस्त कलाओं में प्रवीण, समस्त गुणों की समुद्र और सब सखियां एक अवस्था वाली है, सब की अनुपम छवि है, किसी भी सखी की उपमा नहीं दी जा सकती। जो प्यारी जो की सखियां हैं उन्होंने वृंदावन कुंज में लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई सत सत सहचरियों के द्वारा सेवित स्वामिनी जो है, तो करोड़ों लक्ष्मी श्री स्वामिनी जो की सहचरी के स्वरूप वैभव को सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। आश्चर्यचकित अनुपम है प्रिया जो की सहचरियां भी, प्रिया जो की तो बात ही जाने दो, और सब दिव्य प्यारी जो के प्रसादी वस्त्राभूषण सबको प्रसादी मिल गई, सब प्रसादी धारण किए हुए, सब समान अवस्था वाली, समस्त कलाओं में प्रवीण, गुण समुद्र, इनसे बढ़कर सिद्ध कौन हो सकता है। सिद्ध तो दूसरों के मन की बात जानते हैं, लेकिन प्रभु के मन की बात, प्रियाजू के मन की बात, ये सब सिद्ध सहचरियां जानती है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार सब देखो, ध्यान से सुनना, सब सखियों का एक मन है। बोलो, अलग अलग मन हो, अलग अलग रुचि हो, तो ऐसे रस रंग में भी कुछ न कुछ व्यवधान हो सकता है। हमारा मन कुछ था, आपका मन कुछ है, उनका मन कुछ होगा। अनंत सहचरियां है, पर अनंत सहचरियों में एक मन है, ये बात सबकी एक अवस्था है। सब प्रियाजू की प्रसादी वस्त्राभूषण धारण करती है, सब प्रियाजू को सुख पहुंचाने में परम प्रवीण है, और आश्चर्य है कि सब सहचरियों में एक मन है। कोई समस्या है? एक मन वाली सब सहचरी, और सब सहचरियों के एक प्राण है। ये पंच प्राणों से पोषित तन नहीं, इनके एक ही प्राण है श्यामा जी। सब सखियों के प्राण श्यामा जी, सब सखियों का मन युगल का मन। निकुंज में एक ही मन है, प्रियाजू का, लालजू का और सखियों का एक ही मन है। प्रियाजू के हृदय जो स्फुरित होता है वही लालजू के सखियों के, जो लालजू के मन में हुआ वही प्रियाजू के सखी, जो सखियों के मन में हुआ वही प्रिया प्रीतम के, जो प्रिया प्रीतम के कोई सखियों। संपूर्ण निकुंज वैभव में दो मन है ही नहीं, एक मन, एक प्राण, एक प्रेम में रही शनि, और ये एक ही प्रेम में समस्त सखियां डूबी हुई है। युगल सेवा सुख, युगल अनुराग, युगल सुख वर्धन, ये सामर्थ्य कहां है? ये सामर्थ्य किसी की नहीं है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढुं क्षमते न यज्ञ सुखादी नाम ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन् नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेश जहां वेद और वेद के शिरोभाग उपनिषद की भी पहुंच नहीं है, जहां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की भी क्षमता नहीं कि वो ध्यान धर सके, केवल वृंदावन की कृपा से ही ये राग रंग, ये अनुराग रंग प्राप्त होता है जो केवल वृंदावन में प्रकाशित हो रही है। यत् प्रेमामृत माधुरी रसमय, प्रेमामृत समुद्र का सार स्वरूप लालजी, क्योंकि प्रेमामृत समुद्र लालजू है, लालजू के हृदय का सार श्री लालजी है। ऐसी माधुरी प्रेमामृत सार समुद्र की श्री अंगों से झलकती रहती श्री लालजी के, जो नित्य किशोरी है,
मेरे नेत्र उन्हीं के दर्शन के लिए लोलायमान है, चंचल है। ऐसे ऐसी महामहिम प्यारी जी के श्री चरणों की सेवा मिले, ऐसे उनके दर्शन हो। ये तो है आठ प्रधान सहचरिया, ये निकुंज की स्वामिनी है आठ सहचरिया, और अन्य जितनी भी सखिया हैं उन सब में प्रधान प्रधान सेवा सौंज का आदेश देने वाली सखी। ये तो आठो प्रियालाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, प्रियालाल के ही अनुराग रंग में रंगी हुई समस्त सहचरिया। इनमें जो कुछ प्रधान सखियां हैं इनके नाम श्रवण करने से श्री नित्य बिहारी श्यामा श्याम में अनुराग होता है, हृदय शीतल होता है, आनंद का वर्धन होता है, समस्त विघ्नों की शांति होती है, दुख की निवृत्ति होती है। चंद्रभगा, चंद्रानना, चंद्रप्रभा, ये प्रतिपल नवीन उमंग लिए हुए श्री युगल सेवा में तत्पर रहती है अपने युद्ध की युद्ध सखियों के सहित। चंद्रकला, चंद्रिका, ये बहुत मृदुल स्वभाव की सखिया है, अति सुंदर चंद्रमती, चंद्रा, चंपकवर्णी, चित्रांगा, चंदनवती, चंद्रजिता, ये सखिया इतना सुख पहुंचाने में प्रवीण है कि युगल के चित्त का अपहरण कर लेती है, सेवा सुख से युगल के चित्त का अपहरण करने वाली। चपला, चतुरा, चंचला, परम मृदुल कोमल चित्त वाली ये सखियां, चंद्रछटा, वचंदिनी, चंद्रकांति, ये स्वयं रस की भंडार हैं, ये रस की भंडार हैं जो अपनी प्रत्येक चेष्टा से रस सिंधुओं को सुख पहुंचाती है। चारुमुखी, चरिता, ये परम विलक्षण सखी है। चारुदर्गी, चपल नेत्र वाली चारुमती, चंपकधनी, चित्रांगी, ये युगल सरकार के चित्त को सुख प्रदान करने वाली है। रसरंगा, रसरंगिणी, रसपुंजा, ये सब साक्षात रस स्वरूपा है, रस की मूर्ति है। रसिका, रसवती, रंगावली, ये अनुपम रस की राशि सखी है। रतन प्रभा, रस मंजरी, रूप मंजरी, रस आयनी, रति मंजरी, रस रैनी, ये सब सखियां रस धाम है। रतन मंजरी, रति कला, ये संगीत कलाओं में परम प्रवीण निपुण सहचरी है। रस दैनी, रस भरी, रसालिका, ये सखियां सदैव वीणा हाथ में धारण की है, ऐसी वीणा बजाती है कि युगल युगल सरकार को परम सुख होता है। वृंदा विपिन विनोदिनी, वन दीपा, वन कांति, वन शोभा, वनमती, वनमोदा, ये सखियां सुंदरता का साक्षात स्वरूप है। वन रागा, वन प्रभा, वन भूषा, वन केली, वन विज्ञा, विजया, जया, वनमाला, वन बेली, सुहगा, सुमती, शारदा, सारंगी, ये सब रस सारग्राही सखियां युगल सरकार को सुख पहुंचाने में मगन रहती। सुखदा, जयंती, शशिमुखी, सरसी, ये परम उदार स्वभाव वाली सखियां सेवा सुख में निमग्न है। चतुरा, सुनंदा, सांवरी, ये बहुत लावण्यमयी सखियां हैं। सिंदूरा, शुभानना, ये शोभा की निधि है। सरला, सुमना, शारिका, सौदामिनी, ये बहुत शोभामयी सखियां हैं। सुमुखी, संगिनी, सुकुंतला, रसिक भ्रमर, ये सखियां लालजू को लुभायमान करती रहती है प्रियाजू की तरह। मालती, माधवी, माधुरी, मधुपा, ये हृदय में अत्यंत प्रेम लिए हुए
युगल की सेवा परायणता में मगन रहती है। मानवती, मंदालसा, मदनावती, मंजुकेशी, मणिमंजरी, मणिकुंडला, ये बहुत सरस सखिया हैं। मृगनयनी, मधुमालती, मंजुपदा, मणिमाला, ये शोभामयी सखिया सदैव प्रिया को माला की तरह घेरे रहती है। कलहंशी, कटकेहरी, कलवंशी, कलकेली, कलनयनी, कलगामिनी, कलबैनी, कलबेली, कन्यमुखी, कमलावती, कनकांगी, ये सब शोभामयी सखिया है। केलिकला, कृष्णावती, कुमुदा, ये युगल छवि को निहारा करती है। भामा, भामती, भानुजा, भवन सुंदरी, भानमती, मनभावनी, जिनके अंग आभूषणों के ऐसे सजाने की चतुरता है, प्रिया प्रीतम का कौन सा आभूषण कहां किस अंग में कैसे, ये परम प्रवीण सखिया है। भद्रप्रदा, भद्रावती, भामिनी, भवन दीपा, भद्र स्वरूपा, भाग्य भरी, ये सखियां अनुपमेय हैं। तानवती, तारावती, तमहरणी, तरला, तान तरंगा, ये सब सखियां तमाल वर्ण की तरह, श्याम वर्ण की तरह। पिकबैनी, प्रेमावली, परिमल पुण्या, पावनी, प्रवीण, पद्मावती, ये सब प्रेम रस में निरंतर लीन रहने वाली सखियां हैं। नीरज नैनी, नंदिनी, नेह नवीना, नाद नंदिनी, निर्मला, नवला, ये सखियां अतिशय कोमल चित्त हैं। गुणमाला, गुणवती, गुणभूषणा, गुणखानी, गुणकंदा, गुणकला, गुणभेदा, गुणजानी, चंपा, चमेली, केतकी, बासंती, ये सब सखियां रस की भंडार हैं। गुलाली, सेवती, ये सब सखियां लता रूप से श्री स्वामी जी को सुख पहुंचाती रहती है, अहर्निश सेवा परायण है। अनुराग रंग में रंगी हुई मूर्तिमती समस्त रागिनियां सदैव मूर्तिमान होकर, जितने भी राग रागिनियां हैं सब वहां नवीन प्रकट हुई, ब्रह्मा की सृष्टि की नहीं, ये सब सहचरी स्वरूप से हैं, सदैव लाडली लाल के सुहाग के मंगल गीत गाती रहती है राग रागिनियां मूर्तिमान होकर। छौर के दीवा, जामिनी, ये सब सहचरियां हैं। दिन और रात्रि सहचरी है, यहां के दिन रात्रि नहीं, अभी उनको निशा सुख का वर्धन करना है, अभी अभी रात्रि, क्योंकि सहचरी ही रात्रि रूप। अब तो सारंग राग गा करके दिन की शोभा का सुख, तत्काल दीवा सहचरी ने अपना प्रभाव प्रकाशित, वहां थोड़ी की अब दिन है तो अब रात्रि के लिए समय थोड़ा काल व्यतीत हो, कालातीत धाम है। छह ऋतुआ सहचरी हैं प्रियाजू के हृदय में सुख वर्धन करने के लिए, जिस समय जैसी आवश्यकता है सखी वैसी ऋतु को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही समय को प्रकाशित कर, सखियां ही वहां समय है। ये काल जो अनंत ब्रह्मांडों का सेवन करने वाला है उसका प्रवेश ही नहीं, सब सखियां हैं। षट ऋतुएं दिन रात ये सखियां गर्भत आज्ञानुवर्तनी युगल दंपति के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी रहती है। गोरी गोरी सखी जे भरी प्रिया रस गर्व, चंद किरण सी चहु दिशन राजत अरवन अरव। जो श्री गौरांगी प्रिया के अंग छटा वाली सहचरियां जैसे चंद्रमा की किरण है, मानो प्रिया जो चंद्रमा है और वो सखियां किरणें हैं, कितनी हैं, बोले अरबानी अरब, केवल एक अरब नहीं, अरबानी अरब। और गर्व में फसक में हमसे श्यामा जी के बल अभिमानी, जो प्रिया पक्ष में गौरवर्णा अरबन अरब सहचरी है, उसमें गर्वित होकर के लाडली जी की फसक में चारों ओर प्रिया जी को घेरे। कुंज भंगी सब सहचरी मोर मराली चाही, जे है प्यारी पक्ष की ते सगर्व सब आई।
जितने भी कुंज निकुंज है ये सब कोई प्राकृतिक है, इसलिए जो कुंज निकुंजों में भ्रमर भ्रंगी है, जो मोर मयूरी हंस हंसिनी ये जितनी प्यारी पक्षी की हैं, ये सब गर्भ में रहती है, तो वहां भी पक्षपात है क्या? बोले नहीं, सुख वर्धन के लिए जैसे जब खेल खेला जाता है तो दो पक्ष किए जाते हैं, तो सुख वर्धन के लिए सबसे चरिया कुछ प्यारी जू की तरफ हो गई और कुछ लाल जू की तरफ हो गई। तो स्वाभाविक जो प्यारी पक्ष में हुई, चाहे वो मयूर मयूरी हो, हंस हंसिनी हो, सुख पीक बल्लरी लता, जितनी भी प्यारी पक्ष की तरफ आई वो सब गर्व में रहती है। और जो लालजू के पक्ष में गई, सुख पिक बल्ली सखी सब हंस मयूरी मोर लिए दीनता रहत दिल जितक लाल की ओर। अब जिनके पक्ष में हुई है वो पक्षधर प्रभु स्वयं जिनके आगे दीन रहते हैं, तो उनके पक्ष में जो भी लता बल्लरी सुख पिक मयूर मयूरी हंस हंसिनी सखिया हुई वो सब ग्रीवा झुकाए रहती है। सामने महारानी जी का पक्ष है, इधर श्री लाल जी का पक्ष। जब कोई भी क्रीड़ा होती है, जैसे होली क्रीड़ा हुई तो ऐसे विविध प्रकार की रस के लिए होती रहती है, और दोनों पक्ष की सहचरियां युगल सरकार को सुख पहुंचाने में ही प्रयत्नरत है। दोनों पक्ष में जो सहचरियां हुई है उनका उद्देश्य क्या है? युगल को सुख पहुंचाना। जुगल मिलन सुख सहज ही अद्भुत केल विहार, जीवन सबकी एक ही जीव इत्य ही आधार। समस्त सखियों के जीवन का आधार क्या है? युगल सरकार को ऐसे देखना, नैन से नैन जुड़े हुए, अधर से अधर जुड़े हुए, हृदय से हृदय जुड़ा हुआ है। श्री महाप्रभु भी हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि हमें तो उचित प्रिया जो यही लगता है कि कनक बेली में जैसे तरुतमाल से उर्जी हुई शोभा होती है, ऐसे ही आप श्याम सुंदर के दिल में यहां देखकर विराजमान हो, मुझे तभी अच्छा लगेगा। प्यारी जो आप हम सखियों को सुख पहुंचाने के लिए ऐसे आज तो ग्वाल गोपाल सो खेलरी छाड़ी अति मांग बन चपल चल भामनी तर तमाल सो उरज कनक की बे तेरू ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाले कनक लता सी क्यों न विराजत अर्जी श्याम तमाले। प्यारी जो वो तो सदैव आपके ही नाम गुणगान में ध्यान में मगन रहते हैं, तो आप फिर ऐसा क्यों नहीं करती? कनक लता सी क्यों न विराजत अर्जी श्याम, जीवन सबकी एक ही जीवत तेरी आधार, लाल ललना मिली हियो शिरावत। जब सखियां देखती हैं युगल को मिलित रूप में, यही उनका हार है, यही उनके जीवन का आधार है। जो इन सखियों की सेवा और नाम श्रवण करता है उसकी प्रियालाल में अनुराग वृद्धि बढ़ेगी, प्रेम बढ़े, शोभा चढ़े और राहे जाहिते ही पाही। प्रियालाल के चरणों में अनुराग बढ़ेगा और समस्त प्रियालाल को सुख पहुंचाने के सद्गुण रूपी शोभा उसके हृदय में जागृत हो जाएगी, और जहां ये सहचरियां जो सेवा सुख ले रहे हैं वही वहां पहुंचकर उसी सेवा सुख को प्राप्त करेगा। जो इन सखियों की नामावली सखियों की सेवा सुख का श्रवण करेगा, सखियों का किसी भी तरह से अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि कितनी है। अगर कोई बहुत प्रभावशाली चतुर गुणवान हो तो रजकन उड़गन बूंदघन आवत गिनती माए, यद्यप नहीं आते। कोई तारा गणों को गिन ले, कोई रज के कणों को गिन ले, कोई बरसती हुई बूंदों को गिन ले, असंभव है। पर कह रहे हैं आवत गिनती माए,
कोई इतना प्रवीण हो कि भाई गिन सकता है, लेकिन कहत जोई थोड़ी सोई सखियन संख्या नाही, अनंत संख्या है। अरे प्यारी प्यारी जू का वही हो, मंडल जोरे खड़े मनो झुरे चकोरिन वृंद, इकटक रही निहार सब विव वृंदावन चंद, सब सब मंडलाकार जुड़े। मंडलाकार में कुछ को तो श्रीमुख के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन कुछ को नहीं होंगे, क्योंकि मंडलाकार में श्रीमुख पर ऐसा नहीं। इकटक रही निहार सब विव वृंदावन चंद, सबके सामने प्रिया प्रीता है, कितनी संख्या संख्या ना है, सबको दर्शन, सबको ऐसे ही दुलार मिलता है कि प्यारी जो हमें कितना प्यार करते, क्योंकि सब एक मन वाले। अगर एक को प्रिया जी ने अपने हृदय से लगा के पान की बीड़ी पवाई, तो सबके मुख में पान प्रसाद का रस पहुंच गया, सबके प्राण वैसे ही प्रफुल्लित हो रहे, सबके मन वैसे ही अनुराग में डूब रहे। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी जलन हो कि ये ज्यादा गा लेती है तो प्रियालाल प्रशंसा करके माला पहना रहे, पान बीड़ी पवा रहे, सबको वैसे, क्योंकि एक मन है, एक मन है। तो किसी एक सखी को जब पान की प्रसादी अपने श्री मुख से पवाई, तो वो जो प्रफुल्लित हो रही, ठीक वैसे ही स्वाद, वैसे ही आनंद सबके, क्योंकि सबके मन है नहीं, एक ही मन है। अद्भुत राशि, इकटक रही निहार सब भी वृंदावन चंद, सखिया सिंहासनासीन युगल सरकार को अब सुख पहुंचाने के लिए अपने अपने गुण प्रकट कर रही, अपनों अपनों गुण जितो हित के रस सो शानी, ते सब आगे दोहन के प्रकट करते हैं। यहां सखियों के जितने भी गुण हैं वो किसके गुण हैं, हित गुण हैं, हित मतलब प्रेम के, प्राकृतिक नहीं, हित के रस सो शानी, ये सब आगे दोहन के प्रकट करत हैं। सुधंगा सखी प्रियालाल को नेत्रों से, वहां साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत ये सब नहीं होता, नेत्र से मन नमस्कार, नृत्य प्रारंभ किया। ऐसा सुधंग नृत्य और कलाओं से और एक से एक संगीत की स्वामिनी राग रागिन चमी बिपिन बरसत अमी अमृत वर्षा, अद्भुत राग रंग, और सखी सुधंगा ऐसी नृत्य कर रही, ऐसी कलाएं, ऐसी हाव भाव और ऐसी अद्भुत गति की प्रियालाल के नयन और मन पंग हो रहे हैं। प्रियालाल सखिया उरप तिरप उर्मयी लाग डांट बंधान, सरस सुलभ सुंदर चलन मुस्कन हरत है प्राण, जो संगीत की राग की नृत्य की गतियां हैं, ऐसा आलाप लेना, ऐसा भाव प्रकट करना, ऐसा उलप तिरप भुरमई लाग डाट बंधान ऐसे प्रकट कर रही, ऐसी मुस्कन, ऐसी भ्रकुट संचलन, ऐसी हाव भाव की जो देखे उसके प्राण हरण हो जाए। सुधंगा सखी का नृत्य, दो लाल प्रिया लाल दोनों लाल हैं, अति प्रवीण सब अंग में रीज रीज दो लाल दो प्रीतम, इसके एक प्रीतम होता है नाशवान, तो ठसक से सुहाग भरे हुए गर्वित होकर के होंगे, हमारे तो दो दो प्रीतम अविनाशी है और इनसे बढ़कर कोई है नहीं, अब क्या चाहिए, बस इन्हीं की ठसक चाहिए और कुछ नहीं। ठसक युगल सरकार दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ, ओहो आहा
और वो सखी यार जैसे जैसे प्रियालाल प्रबोधित होते उसके हृदय में और सुंदर सुंदर राग रागनी कला अपने प्राणाराध्य को पुलकित देकर दोनों युगल सरकार एक दूसरे के कमल में तालियां आह कितना सुंदर हो आओ सखी तब ही बोलिते सखी को पहिराई उर्मान श्री युगल सरकार ने जो दोनों एक ही माला पहने गए थे लंबी बुलाया और केवल माला ही नहीं पहनाई पहले दोनों ने बाहुओं की माला पहनाई वो लिखा लेंगे और फिर युगल सरकार ने माला पहने इतना अपार ऐसे प्रेम समुद्र ऐसे अनंत वैभव अनंत सामर्थ्यशाली प्रीतम रीज गए पाछे गावत रागिनी बीना लिए मृदंग एक सारंगी किन्नरी एक सजे मुहचंग आहा संगत जो राग रागिनियों के साथ संगीत बजाने वाली सखियां थी कोई ऐसी वीणा झनकारती वो वीणा भी सहचरी और झनकारने वाली भी सहचरी और जो झनकार निकलती वो भी सहचरी वो मृदंग छा गया एकदम निकुंज ऐसी राग रागिनियों का ताल मृदंग का विस्तार हो रहा है वीणा झनकार के साथ में मृदंग की है गूंज बिना की ध्वनि कम हुई तो सारंगी से किन्नरी मुखचंग अमृत कुंडली हुड़कई कठतार आदि आदि सब वाद्य अपनी अपनी कला बिना की कला सारंगी सब अपनी अपनी कला छाया हुआ है युगल सरकार विराजमान है मंद मंद मुस्कुराते हुए अनंत शोभा का विस्तार करते हैं ये देख पा रहा है उपासक निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमाव ये जो लिखा है ना पुलकित तन रोमावली ये केवल कहने में सरल है लेकिन जब हृदय में प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंत शिशिरी कृत चित्तम वो आचार्य कृपा से ही सहा जा सकता है अन्य की सामर्थ्य ने इसलिए का सिंगनी का दूध ये जो प्रीति है ये जो युगल सरकार की शोभा है ये जो युगल सरकार का अद्भुत अमृतमय रस है इसे केवल सखियों की कृपा से ही प्राप्त हृदय में सहा जा सकता है दूसरे हृदय की सामर्थ्य नहीं फट जाएगा जैसे सिंगनी के दूध को और पात्र में डालो तो छेद के निकल जाएगा ऐसे ये प्रेम केवल केवल बच्चा बनने से आचार्य शरणागत से सब सखियां जो संगीत वाद्य में है अपनी अपनी कलाएं प्रकट कर रही ऐसा लग रहा है मानो संगीत की सरिता उफान ले रहे हो भावना करो कैसा झमाझम मचा हुआ है कोई सारंगी कोई वीरा और सब लाल रंग से छाया हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संगीत गुणों की सरिता उफान ले रही हो आनंद की अद्भुत तरंगे आ रही है जितक कला संगीत की तामे सबे प्रवीण परम प्रवीण सखिया अब तो कई कई सखिया मिलकर अपने अपने नृत्य गावती निर्तत लेत है अद्भुत गतिनु नवीन कोई गान कर रही कोई नृत्य कर रही कोई अद्भुत नृत्य की गतियां ले रही सब एक वेश गुणरास ऐसो तीन को हेत सब एक अवस्था वाली परम सुंदर सबका एक ही गुण प्रियालाल को दिखाना सबका एक ही हित प्रियालाल को सुख पहुंचाना ऐसो तीन को हेत जैसे सबकी एक वैश अवस्था है ऐसे सबका हेत भी एक ही है युगल को सुख पहुंचाना ताम तरंगा निकट हुए गाई बांकी तान तवहिरी जीते सखी को दे बुलाए हसीपान
राग तरंगा नाम की सखी ने उस राग रंग के बीच में ऐसा आलाप लिया विकट और तान कि युगल सरकार बोल पड़े, वाह वाह वाह, आओ आओ युगल सरकार दीजिए। और पान प्रदान किया, कैसा पान प्रदान किया, ललित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंद्रोद्गीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदासिर प्रतिदासी वत्सला करी। प्रीतम का रसास्वादन किया हुआ प्यारी जू के श्री मुख से उस सहचरी को कपोल में कपोल मिला करके दासी वत्सला श्री स्वामी जी। अब उस पान का क्या कहना जो सहचरी के मुख में गया, तो पान ही कर रही है। दिए बुलाए हसपान, वाह सहचरी, आनंद मेघ चुचात सुख कौशर ध्रुव दिन तहा क्यों आवे कहे बात वृंदावन विदुष भात। आनंद मेघ की वर्षा हो रही है, कैसे उस सुख समुद्र का वर्णन करे, कैसे कोई बता सकता है कि वहां क्या हो रहा है। ये वृंदावन का जो नित्य विहार रस है ये अनिर्वचनीय है, आचार्य कृपा से अनुभव में आता है। जो आचार्य शरणागत होकर के, बस इसमें खास बात है, देखो श्रम आयास प्रयास का तो निषेध है यहां, सर्वेश साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, आचार्य चरण कह रहे हैं जो देने के लिए तत्पर वही आदेश कर रहे हैं, सर्वेश साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, किसी भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन का भी आश्रय न लिया जाए। धन के द्वारा प्राप्त हुए भोगों को सुख मानकर न भोगा जाए, परिवार के सुहृद जनों से राग न रखा जाए, आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति, ये हमारा जीवन आधार है, ये हमारा जीवन आहार हमारी साधना नहीं, हमारा जीवन आधार है, क्योंकि अपनी जितनी उपासना पद्धति है वो सेवा सुख के अंतर्गत है, लाडली लाल को सुख पहुंचाने के लिए यही हमारा आहार है, यही हमारा आधार है। तो अपने आप सहज में आपकी गति इस रस से होने लगेगी। आप सुन रहे हैं ये बहुत बड़े भाग्य, आपको अच्छा लग रहा है ये उससे बड़े भाग्य, और आपको ऐसा लग रहा है कि यही तो जीवन है हमारा, यही तो आहार है हमारा, तो अब भाग्य शब्द खत्म है, अब तो आप वही हो रहे हो, हाँ जिसका गान कर रहे हो, हित मूर्ति हो रहे हो, हित दास हो रहे हो, हित रसिक हो रहे हो। सदैव अपने आचार्य चरण के द्वारा दी हुई उपासना में रति करते हुए एक क्षण भी बर्बाद मत करो। ऐसी जगह चलना है जहां किसी का चलना ही नहीं होता, केवल इन्हीं के सहारे चलना है, केवल इन्हीं के आश्रित चलना है। संपूर्ण चित्तवृत्ति आचार्य आदेश पर स्थित कर दो, जैसा वो आदेश करते वैसा चलने पर ये महारस हमारी संपत्ति हो जाएगा। कुंज महल की पहल सुख और दंपति संपत्ति पाइए, जब दंपति संपत्ति हमें दे दी गई तो हमारी संपत्ति हो गई, प्रियालाल सखियों की संपत्ति है, क्योंकि आचार्य चरण ने संपत्ति दी है। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाए, ये संपत्ति किसी और साधन से नहीं होती। शेष चर्चा श्री राधा।